everyone, welcome back to my channel. It's me Prakya, and in today's video I'm going to share with you the review of this beautiful foundation which I have bought recently from Amazon. So if you guys are interested to know how this works on me and whether I will recommend you to buy this foundation or not, then please keep on watching this video till the end. And without any further delay, let's quickly jump into the video. तो मैं ऐसे ही अमेजन पे सर्च कर रही थी एक नया फाउंडेशन खरीदने के लिए और मेरी नज़र इस पे पड़ी. तो दिस इज़ द रिमेल लंडन मैच परफेक्शन फाउंडेशन. तो इसमें SPF 20 भी है, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने रिमेल लंडन की ब्रांड से कोई भी प्रोडक्ट पहले ट्राई नहीं किया था. तो मैंने सोचा कि नया ब्रांड है और डिस्काउंट में भी था ये वाला फाउंडेशन. तो दिस फाउंडेशन रिटेल्स फॉर 699 रुपीज़, और मुझे ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंट में मिल गया था, 340 या 350 के आसपास मिल गया था. तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट था, तो मैंने सोचा कि इसको तो लेना बनता ही है. तो मैंने इसको ले लिया, एंड व्हेन आई रिसीव इट, आप देख सकते हो इसका कैप मिसिंग था. तो इस पे एक ब्लू कलर का कैप होता था जो पिक्चर में दिखाया था, तो वो कैप इसमें मिसिंग था. और मुझे ये भी लगा कि अगर मैं रिटर्न करूँ और ऑफ़र जो था वो निकल जाए तो शायद मुझे ये डिस्काउंट में नहीं मिलेगा. तो मैंने सोचा ठीक है, कैप मिसिंग है, लेकिन प्रोडक्ट जो था वो फुल क्वांटिटी में था, कोई मतलब स्पिलेज वगैरह नहीं था. तो मैंने सोचा चलो रख ही लेती हूँ, इतना अच्छा डिस्काउंट में मिल गया था. तो ये सोचकर मैंने रिटर्न नहीं किया इसको. और कुछ दिन बाद जब मैंने देखा तो ये ओरिजिनल प्राइस में आ गया था, अमेजन पे डिस्काउंट चला गया था. तो मैंने सोचा कि बच गई मैं, कि रख लिया इसको. तो ये एक 30 ml का प्रोडक्ट है, जैसा कि मेबलिन या लॉरियल का आता है वैसा ही 30 ml का प्रोडक्ट है. तो काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी है. और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 700 रुपीज़ के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है. और आप देख सकते हो कि मैंने आज इसको ही लगाया हुआ है, और मेरा बेस जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से. तो मतलब रियल लाइफ में तो अच्छा लग ही रहा है. तो ये कांच का बॉटल है और इसका कैप तो मिसिंग है, लेकिन ये है पंप सिस्टम में आता है. और इसका कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, जैसा कि मुझे पसंद है फाउंडेशन में तो वैसा ही है. और ये एक मैट फिनिश फाउंडेशन है, लेकिन ये आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है बहुत देर तक. तो अगर आपका ड्राई स्किन होगा तो आपको इस फाउंडेशन से कोई भी इशू नहीं होगा. और आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और ये मेरे स्किन टोन से एकदम परफेक्टली मैच होता है. और मेरे पास जितने भी फाउंडेशंस है अभी तक, इससे क्लोजेस्ट मैच मुझे अभी तक नहीं मिला. और मेरा जो इसमें शेड है वो है 201 क्लासिक बेज, और इसमें बहुत सारा शेड ऑप्शंस है. तो अगर आप इंडियन स्किन टोन के हो ना, तो आपको डेफिनेटली इसमें आपका स्किन टोन मैच तो मिल ही जाएगा. और अगर आप फेयरर हो मुझसे तो तब तो मिल ही जाता है. मतलब हर ब्रांड में डार्केस्ट टोन्स होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन फेयरेस्ट टोन्स तो होते ही है. तो डेफिनेटली आपको इसमें शेड मैच मिल जाएगा. तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैंने इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है. सो इफ़ यू लाइक टू हैव अ लुक, यू कैन गो एंड चेक दैट. और क्योंकि इसमें SPF 20 भी है, तो थोड़ा बहुत सन प्रोटेक्शन तो आपको इससे मिल ही जाता है. और आपको SPF तो लगाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप SPF थोड़ा कम भी लगा रहे हो और इसको उस पे लगा रहे हो, मतलब SPF के ऊपर ये फाउंडेशन लगा रहे हो, तब तो आपको ज़्यादा सन प्रोटेक्शन मिल जाएगा. तो इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद आया है. एंड एज दिस प्रोडक्ट क्लेम्स, ये आपके स्किन को 24 आवर के लिए मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड रखता है, विच आई ऑल्सो रियली फील दैट ट्रू. हाँ, मैं 24 आवर के लिए इसको तो नहीं पहना है, लेकिन जितना भी देर मैंने इसको लगाकर शूट्स किया है, वीडियोस बनाया है, तभी के लिए कभी भी मुझे ड्राइनेस फील नहीं हुआ है स्किन में. तो मैं कह सकती हूँ कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, और अगर ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन है तब तो ये बहुत ही अच्छा होगा.
उसमें तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है इसको खरीदने से पहले। और अगर आप लोगों का ड्राई स्किन है तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और उसके ऊपर ये लगा लीजिए, देन यू आर डन। एंड दिस प्रोडक्ट ऑल्सो क्लेम दैट इट गिव्स यू पोर ब्लरिंग इफेक्ट, तो ये जो है आपके पोर्स को ब्लर आउट करता है एज इट क्लेम्स। और अगर मैं ये क्लेम की बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा पोर को ब्लर करता है, क्योंकि आपको एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाना ही होगा अगर आपका लार्ज पोर्स है तो, क्योंकि मेरा इस एरिया में, अंडर आई एरिया में थोड़ा लार्ज पोर्स है और मैंने इसको ऐसे नॉर्मल प्राइमर के ऊपर लगा कर देखा था तो ये ज़्यादा पोर्स को ब्लर नहीं करता है। तो आपको एक सिलिकॉन वाला प्राइमर लगाना ही होगा अगर आपका लार्ज पोर्स है तो। एंड इट ऑल्सो क्लेम्स दैट इट गिव्स यू अ इनविजिबल कवरेज, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, बिकॉज ये तो मेरे स्किन टोन से परफेक्टली मैच होता है, आप देख ही सकते हो। तो मैं जब इसको लगाती हूँ मुझे एकदम ही स्किन लाइक फिनिश मिलता है, तो आई रियली फील दैट इट गिव्स यू अ इनविजिबल कवरेज विच इज़ रियली ग्रेट। और इसका जो फ्रेग्रेंस है गाइज वो ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, तो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो तो आपको कोई भी इरिटेशन या इश्यू नहीं होगा इससे, क्योंकि नॉर्मल सब फ्रेग्रेंस से ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं है इसका स्मेल, मतलब ठीक ठाक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये फाउंडेशन जो है ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर अच्छा फाउंडेशन ब्रश से इक्वली अच्छे से ब्लेंड होता है, तो अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करने का मन है तो ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करो, अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हो इसके साथ तो भी ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, ये इक्वली अच्छा इफेक्ट देता है दोनों चीज़ों के साथ। सो गाइज दैट्स ऑल आई हैड टू से अबाउट दिस फाउंडेशन। ओवरऑल माई इम्प्रेशन अबाउट दिस फाउंडेशन इज़ रियली वेरी गुड, एंड आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक महीना ही शायद इसको यूज़ किया है, एक महीना भी नहीं किया है इसको यूज़, तो आप देख सकते हो कि मैंने इतना सा ख़त्म कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि एक महीने में मैंने कितने बार इसको यूज़ किया है। तो आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन। और एक दूसरी बात भी है, क्योंकि इसका कैप नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी से ये फाउंडेशन को फिनिश करना चाहती हूँ, तो मैं अपने सारे फाउंडेशंस को साइड में रख के ये ही लगाते जा रही हूँ लास्ट कुछ दिनों के लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है तो क्यों नहीं। तो मैं तो इसको जल्दी से फिनिश करूँगी और इसका दूसरा बॉटल भी मैं ज़रूर मंगवाऊँगी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप विशलिस्ट में इसको ऐड करके डिस्काउंट के लिए वेट कर सकते हो, तो अगर आपका मनपसंद डिस्काउंट मिल जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, अगर आप MRP में बाय करना नहीं चाहो। लेकिन अगर आप MRP में भी बाय करते हो तो मैं तो कहूँगी कि ये वर्थ बाइंग है गाइस, बिकॉज लॉरियल का फाउंडेशन भी 700 के आसपास ही आता है और मेबलिन और लैक्मी का भी वो 500 550 के आसपास ही आता है, तो कंपेयरिंग टू दोज फाउंडेशन ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, तो आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन टू यू। एंड गाइज ये एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने इसको अपने परिचय से ही खरीदा है और मुझे अच्छा लगा है, इसलिए आई एम शेयरिंग द रिव्यू ऑफ दिस फाउंडेशन। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस यूजफुल डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ बिग फैट थम्स अप, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन बटन नेक्स्ट टू इट, सो व्हेनेवर आई अपलोड सच वीडियोज यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो and let me know what you think of my videos, and if you have any further suggestions to share with me, I will love to know that. Please go and comment, and also follow me on Instagram and other social media accounts. The links will be in the description box below, and until next time, stay happy, stay safe, and stay tuned. Bye bye guys.